नमस्कार दोस्तों, हर दिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से कोई ना कोई अपडेट आ रही है। दोस्तों आज की अपडेट यह है कि जिन लोगों ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP के लिए अप्लाई किया था, जिन्हें मेल नहीं मिला था या कॉल नहीं मिला था, उन लोगों को मेल और कॉल दोनों आने अब से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों जैसे कि मेरे फ्रेंड्स को एक मेल आया है, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। ग्रीटिंग फ्रॉम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक्स ब्रांच, वो ब्रांच का नाम होता है वहाँ पर, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन टू अवेल BC ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट बैंक इज इन प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग BC फॉर नॉन ट्रांजेक्शनल बिजनेस विद मेन फोकस ऑन इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड असेस्ट लोन। द BCs विल बी अपॉइंटेड इन फेज मैनर, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू लोकेशन वेयर पोस्ट ऑफिस नॉट अवेलेबल, मेन BCs विल अपॉइंटेड इन द विलेज वेयर प्रेजेंट पोस्ट ऑफिस इज नॉट अवेलेबल। The right to do cash transaction will not be given to the appointed BCs. Following is the list facilities which each BC can provide to the customers in her vicinity area. मतलब दोस्तों यह मैसेज यह बताता है कि आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विस है उसके अंदर अपॉइंट किया गया है, इसी कारण यह मेल आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स में कुछ सर्विसेस है उनकी जानकारी नीचे दी है, तो दोस्तों वो अगली स्लाइड मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बिजनेस एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी सर्विसेज है जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक BCs को दी जाने वाली है, जो CSP लोग लेते हैं उनको दी जा रही है। तो दोस्तों वहाँ पर है SB अकाउंट ओपनिंग, करंट अकाउंट ओपनिंग, आधार सीडिंग, कस्टमर प्रोफाइल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेशन, नॉमिनी चेंजेस, DG SBI अकाउंट, KYC, मैंडेट बेस्ड अकाउंट ओपनिंग लाइक मनरेगा और बहुत सारे, सैलरी बेस मैंडेट अकाउंट्स, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग एंड अदर प्रोडक्ट्स, इंट्रा बैंक मनी ट्रांसफ़र, मतलब बैंक के जो अदर ब्रांचेस है उनके अंदर बैंक की जो मनी ट्रांसफ़र की जाती है वो सर्विस, मनी रिमिटेंस, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सोर्सिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पेमेंट फॉर DOB प्रोडक्ट्स सच एज RD, LARD, SSA, PLI एंड FFF फॉर्म, कस्टमर अकाउंट्स, CELC विथ कैश एंड नॉन कैश रिसिप्ट। दोस्तों CELC उनकी तरफ से एक हम सबको एक अगर CSP मिल जाता है तो एक ऐप मिलता है जिसके जरिए आधार का काम भी यहाँ पर होता है। साथ ही दोस्तों बैलेंस इंक्वायरी, प्रोडक्ट इंक्वायरी, यह सभी जानकारी जो सर्विसेज है आप कस्टमर को दे सकते हो अगर आपको CSP मिल जाता है। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने बताया है क्या रिक्वायरमेंट है। अ BC हैज़ टू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद बैंक, इट विल बी ऑन 500 स्टैम्प पेपर, द एक्सपेंसिस फॉर द सेम विल बी बॉर्न बाय द BC एप्लीकेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह प्रोसेस करने के लिए 500 रुपये लगेंगे, उसके बाद 5000 विल बी रिफंडेबल डिपॉजिट विद BC एप्लीकेंट हैज टू कीप विद बैंक RS एंड RS 1000 विल बी द प्रोसेसिंग फी। यहाँ पर आपको 5000 रुपये डिपॉजिट देना पड़ेगा और 1000 रुपये प्रोसेसिंग फी इसके लिए होने वाली है। साथ ही दोस्तों और एक पॉइंट है, अ BC एप्लीकेंट हैज़ टू अरेंज सेपरेट मोबाइल एंड बायोमेट्रिक डिवाइस एज पर बैंक स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पज। दोस्तों यहाँ पर आपको एक मोबाइल फ़ोन और बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए होगा क्योंकि इसी के जरिए यह सभी वर्क होने वाले हैं और इन दोनों डिवाइस को आप किसी और काम के लिए यूज़ में नहीं ला सकते। तो दोस्तों उसके बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए, किस दिन इनको विजिट करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंड गो थ्रू द अबो पॉइंट्स इफ़ यू आर एग्री विथ अस, अगर आप ऊपर के जो पॉइंट है उनसे एग्री करते हो, उनसे अगर आप सहमत हो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड पर्सनली इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ब्रांच, जो ब्रांच है उसका नाम वहाँ पर आपको मिल जाएगा, विथ ऑल यूर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो फॉर्म के साथ आप लोगों ने अटैच किए थे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दोस्तों मैं आपको एक दिन उस पर भी एक डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जो डेट आपको मिली है और जो टाइम मिला है उसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट बैंक पर विजिट करना है। और दोस्तों साथ ही उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे यहाँ पर तो डिस्कस नहीं कर सकते, ना ही आप उन्हें ईमेल कर सकते, आपको डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट ब्रांच है वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी अपडेट, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कॉमेंट जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।